वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अपना मेकअप दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारी दो किट्स जो है, आई शेड किट्स है। हमारे पास दो किट हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। एक बड़ी वाली किट में 20 कलर्स हैं, ये बहुत बड़ी है, और छोटी में 9 कलर्स हैं। तो हम छोटी वाली खोलते हैं। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर शाइन वाले कलर्स भी हैं और डार्क भी हैं और लाइट भी हैं। तो आप देख लें कितने अच्छे अच्छे कलर हैं इसमें, बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें। ग्लिटर वाले 3 शेड्स हैं और बाकी नॉर्मल वाले भी इसमें शेड्स हैं। 9 कलर्स हैं इसके अंदर, मिरर के साथ है और बहुत अच्छा ये मतलब है। तो उसके बाद हमने क्लोज़ कर दिया और अब बारी है बड़ी वाली किट की। मिस परफेक्ट 20 कलर्स हैं, 3-in-1 आई शेड किट है ये। तो अब इसे ओपन करेंगे। ये बड़ी किट है और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, शाइनिंग कलर्स भी है। इसमें नीचे वाली रॉ में शाइन वाले कलर्स हैं और ऊपर वाली रॉ में एक दो शाइन वाले हैं, बाकी सिंपल कलर्स हैं और बहुत अच्छे कलर हैं, मिरर के साथ है। ये बहुत अच्छी वाली अच्छी किट है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। आप देखें इसको, इतनी अच्छी किट है, आप इसका नाम भी देख लें, आप भी खरीदिएगा। तो अब हम आ चुके हैं लिपस्टिक्स की तरफ। ये हमारी सारी लिपस्टिक्स हैं, सारी मैट लिपस्टिक्स है और वो ज़रा साइड में जो आ गई है ना हमारी नेल पेंट, वो ना गलती से आ गई है। तो अब हम इस पर जादू भी करेंगे। जादू आप लोग देखिएगा, अभी थोड़ी देर में ये जादू होगा, इतना मज़ा आएगा। तो पहले आप इसके शॉर्ट्स चेक कर लें, कोई उल्टी पड़ी। ये देखिए सारे लिपस्टिक्स के कैप्स हट चुके हैं और वो जो गलती से हमारी नेल पेंट आ गई थी वो भी यहाँ से चल गई है। और ये देखें ये कितने अच्छे अच्छे शेड्स हैं। अब जो है ये कह रही हैं कि मेरे हाथ का कबाड़ा बनाएंगी। ये मेरे हाथ का बन गया है कबाड़ा और ये स्टार्ट कर दिया है कबाड़ा बनाना। तो आप भी देखिए अब ये पूरी मेरे हाथ पर चिक्स लगा देंगी और ये मेरा हाथ पूरा ख़राब। चलिए अब इसके हाथ का हम कबाड़ा करते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसके हाथ के कबाड़े करने का। लास्ट बची है, अब इसका कबाड़ा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म कहाँ हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। पूरा हाथ को कबाड़ा बना दिया है और ये मैट है तो हटेगी भी नहीं, बहुत मुश्किल से हटेगी अब ये। अब हमारे पास हैं ये बहुत सारी नेल पॉलिशेस, इसमें डार्क कलर भी है, लाइट भी है और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आप तो हम ये शेड्स लगाएंगे तो नहीं, बिकॉज़ हमारे पास इतने ज़्यादा तो हाथ नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग जस्ट इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखा देंगे। तो हम ये हटा रहे हैं यहाँ से। लिप ग्लॉस की तरफ, तो ये मेरे पास है लिप ग्लॉस। बहुत सारी अलग अलग शेड्स की लिप ग्लॉसेस हैं, अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग, तो कुछ लाइट है कुछ डार्क है। और ये सारी जो ग्लॉसेस हैं ना ये सब मैट हैं,
और ये अब मेरा दूसरा हाथ भी ख़राब कर रही है, क्योंकि मेरा वाला हाथ तो ख़राब कर ही दिया है, तो उस पर और जगह नहीं थी, तो दूसरा हाथ भी ख़राब कर रही है। तो अब दूसरा हाथ भी देखिए मेरा। सारे शेड्स उसने मेरे हाथ पर आजमा लिए हैं, और ये शेड्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरे दोनों हाथ का कबाड़ा ही है इसने, ये देखिए। अब ये मुश्किल से हटेंगे, इसको पूरा एक दिन लगेगा। अब हम लोग आ चुके हैं पेंसिल्स की तरफ। मैंने अपना हाथ बहुत मुश्किल से वॉश किया है, और अब ये मेरा हाथ ना फिर से ख़राब कर रही है। तो अब वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए आपके लिए मैं दूसरी दफ़ा अपना हाथ ख़राब करवा रही हूँ। ये सारी ग्लिटर पेंसिल्स हैं, ये आईज़ के लिए हैं। ये यहाँ का कबाड़ा ये कर रही है, और हाथ के पीछे वाली साइड का कबाड़ा मैंने किया हुआ है। तो अब ये लास्ट पेंसिल बची है, बस ये मेरे हाथ पर अप्लाई करेंगी और मेरा हाथ पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अब मेरे हाथ पर ब्लश ऑन्स भी ट्राई करने हैं। ये ब्लश ऑन्स हैं 3 टाइप्स के हमारे पास, लेकिन अब ब्लश ऑन्स ये नहीं मैं ट्राई करूँगी, थोड़ा बदला भी तो लिया जाए भाई। मेरा हाथ पूरा ख़राब किया, अब मैं भी करूँगी। तो ब्लश ऑन्स अब मैं इसके हाथ पर ट्राई करूँगी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगी ब्लश ऑन्स के बारे में कि मैं आपके हाथ पर ट्राई करूँगी, तो आपको कैसा लग रहा है? तो अब हम लोग ब्लश ऑन को ओपन करेंगे, अब इसको और ओपन करेंगे। इसके अंदर एक ब्रश है जिससे हम ब्लश ऑन लगाते हैं, लेकिन ये तो ब्रश से लगाएगी नहीं। देखिए आप ब्रश देख लें अच्छी तरीके से, ये बहुत अच्छा ब्रश होता है, इससे ही लगाते हैं। अब इस क्लोज़ कर रहे हैं तो नहीं, क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको आपके हाथ पे ट्राई कर रही हूँ, चले हाथ लाए जल्दी से। मैं हाथ ला चुकी हूँ, तो अब इसने मेरे हाथ का कबाड़ा करना शुरू कर दिया है। मेरे हाथ का कबाड़ा होने के लिए तैयार हो चुका है। हाय मुझे बचाओ, कबाड़ा छोड़ दो, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये शेड। मेरे हिसाब से तो कबाड़ा ही है ना यार। एक तो ये बीच में जो पॉज हो रही है ना फुटेज, तो चलिए अब आ रही है दूसरे वाली किट की। ये है हमारे पास 3 कलर्स वाली किट ब्लश ऑन की, इसमें 3 कलर्स हैं और ये कलर्स बहुत अच्छे हैं। ये से ओपन करते हैं, और ये देखिए ज़रा ये कलर इसने अभी तोड़ा है, लेकिन ये कलर फिर भी हमारे पास मतलब काम कर रहा है। और ये 2 कलर्स हैं, ये कितने बहुत अच्छे शाइन वाले कलर्स हैं, जिससे हाइलाइटर लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छे कलर्स हैं। मैं ये लास्ट शेड अप्लाई कर रही हूँ उसके हाथ पर, ये लास्ट शेड है और ये बहुत ज़्यादा शाइन वाला शेड है। ये देखिए इसका हाथ शाइन कर रहा है, हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब दूसरी ब्लश ऑन की पारी है, तो अब मैं इसे ओपन करती हूँ। तो अब मैंने ये ओपन कर लिया है, और अब इसे टेस्ट करने की बारी है। ये देखिए ये भी शाइन वाला है, शाइन है। तो ये मेरे हाथ पे लगा रही है, और मेरे हाथ में जगह नहीं है कहाँ लगाएं। अब इसने ऊपर की साइड भी गंदी करना शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा ही लगा रही है। तो हमने ये भी बहुत ज़्यादा लगा दिया है, हाय इतना ज़्यादा लगा दिया है कि बस। तो अब इसके अंदर भी शायद कुछ है, हम लोग को पता नहीं है क्योंकि हमने अभी इसको देखा। तो अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, देखें ब्रश निकल आया, इसको पता ही नहीं। और इसके अंदर मिरर भी है, आप देख सकते हैं। अरे मुझे सच में नहीं पता था,
मैं कौन सा मजाक कर रही थी। ये ब्रश से लगाना चाहिए था, लेकिन ये तो पागल है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं मिरर बहुत अजीब सा हो रहा है। अब इसको हम बंद करेंगे, फिर हम बंद ही कर देंगे, फिर नहीं लगाएंगे। ये हमने बंद कर दिया है और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। उसके बाद अब हम आ गए हैं फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन अब मैं इससे बदला लूँगी। अब मैं थोड़े से इसके हाथ को कचरा बनाऊँगी। अब देखते हैं, अब आप देखिए ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, तो हम इसके हाथ पे ये वाला फाउंडेशन लगाएंगे। ये बहुत अकड़ा है तो निकल नहीं रहा, तो अब मैं इसको क्या करूँ। अब हमें इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मैंने मला मला मला, तो रिज़ल्ट देखिए आ गया आपका। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है और ये है बी क्यूट का अल्ट्रा मैट। और ये वाटर प्रूफ भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम वेट वाइप से इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब ये मेरे हाथ पर रिमूव कर रही है। कोशिश जारी रखिए। तो अब हम इसका हाथ साफ़ करें, और ये इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि ये साफ़ ही नहीं हो रहा, अभी तक लगा हुआ है इसके हाथ। अब हम लगाएंगे दूसरी बेबी क्रीम। तो अभी हम इसका हाथ और गंदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब आप ही कुछ बोल रहे हैं। ये हाथ गंदा तो नहीं हो रहा, बट ये कलर्स चेंज हो रहे हैं मेरे हाथ के। तो अब नेक्स्ट ये देखें, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैंने अप्लाया करा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लगा दिया। और इसका कलर देखें आप, ये इसका कलर भी सही है और ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, ये देखें बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा। तो अब आ रही है हाइलाइटर्स की। ये मेरे हाइलाइटर्स ना, ये मेरे हाथ पे ही अप्लाई करेंगी, तो हाइलाइटर्स तो थोड़े शाइनिंग करते हैं ना। तो और ये है आई का, आईज़ के लिए वो, और ये हाइलाइटर मेरे हाथ पे यूज़ कर रही हैं। तो अब हम इसके हाथ पे हाइलाइटर करेंगे, बहुत शाइन कर रहा है ये। तो अब हम इसके हाथ पे हाइलाइटर करेंगे। ये देखिए लगाया मैंने, लगाया और अब हम इसको क्लोज करेंगे और दिखाएंगे आपको कि सेम है कि नहीं। ये बहुत शाइन कर रहा है हाइलाइटर, ये देखिए। और ये दूसरा वाला शेड भी लगा रही है अब, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ये देखिए जादू करा मैंने, और ये जादू नहीं करा, ये इसके हमने हाथ पे सारा लगाया और उसके बाद मेरे हाथ पे थोप दिया। हम आ चुके हैं थ्री मस्कारा पर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ये मस्कारा मेरे हाथ पे नहीं, इसके हाथ पर। तो जैसा कि आप लोग ने सुना और अभी आप देखने भी वाले हैं, तो मेरे हाथ का फिर से एक अबाड़ा कर रही है ये मस्कारा लगाकर। तो अब ये मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और मैं गीले में ही हटा लूँगी, बिकॉज अगर मैंने इसको सूखने दिया ना तो ये भी वाटर प्रूफ है और ये मेरा हाथ ना पूरा ख़राब करेगा, पूरा काला हो जाएगा मेरा हाथ। पहले ही बहुत अच्छा है मेरा हाथ जैसे, और ये वाला इसने अप्लाई कर दिया। अब ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला तो इतना डार्क है कि आपकी सोच होगी ये डार्क है। नहीं, ये बहुत लाइट है, पहले वाला डार्क था। अब मैं इसे ना, ये गीला है तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, वरना ये मेरा हाथ ख़राब कर देगा। वेट वाइप से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ जल्दी 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 जल्दी, ताकि ये मेरा हाथ ना ख़राब करे ना। तो ये रिमूव हो चुका, बस साइड में थोड़ा सा रह गया है। हाँ, वो भी हो गया और ये पूरा हो चुका। हाँ, और ये पूरा काला। और अब नई चीज़ें अप्लाई करेंगे, फेस पाउडर, कंसीलर, और ये क्या है, और ये केक वाला वो है फाउंडेशन। हाँ, तो हाँ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसीलर अप्लाई। ब्रश वाला कंसीलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा ब्रांडेड है ये। तो अब हम थोड़ा सा हम इसे दबाएंगे ना, तो इसमें से कंसीलर बाहर आ जाएगा। अभी ये दिखाएगी, ये सारा निकाल दिया, ये मैंने बहुत ज़्यादा दबा दिया है। तो अब ये हम अप्लाई कर लिया है हमने, अब हम इसको क्या करेंगे, इसे हमने स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। और ये देखें कंसीलर, और ये अब केक वाला ये बहुत ब्राउन है। हाँ, और ये मेरे हाथ पे ना ही लगे तो अच्छा है। अब मैं इसके ऊपर ना अच्छी तरीके से लगाऊंगी ना, इसको मज़ा आ जाएगा। आप देख सकते हैं ना, अच्छी तरीके से हम लगाना शुरू करते हैं। अब 3 2 1 गो। ये देखिए कैसा है, इतना अच्छा। अगर आप अपनी स्किन पर आएंगे तो आपका मुंह भी ऐसा ही हो जाएगा। तो प्लीज उसे क्या कहते हैं, ये देखिए मैंने कंटूरिंग पाउडर। हाँ, कंटूरिंग पाउडर वही। अब ये मेरे हाथ में ना बहुत गंदी तरह से लगा है, तो मैं ना इसको रिमूव कर रही हूँ वेट वाइप से। ये बहुत ही ख़राब तरीके से मेरा हाथ को इसने पूरा काला कर दिया है। पहले मैं रिमूव कर लूँ, फिर दिखाती हूँ अपना हाथ। ये देखिए ज़रा, पूरा हाथ मेरा बर्बाद कर दिया, पहले ही बहुत खूबसूरत लग रहा था।
आप फेस पाउडर लगा रहे हैं। हम फेस पाउडर के लिए अभी आप देखिएगा, बहुत अच्छा फेस पाउडर हमने खोला है इसको। मेडोना का फेस पाउडर है और ये खुद ब खुद आ गया। देखा हमने खुद ब खुद, वरना मुझे बुलाना पड़ता है इसको खींच खींच कर। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भर भर के लगाया। ये देखिए हम लगाए जा रहे हैं और भी आते रही आपने, जैसे इसके 10-12 हाथ। ये बिफोर आफ्टर देखें, ये आउट है और ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसने मेरे हाथ पे छोटी थी। और ये आई शेडो है, तो आई शेडो हम लोग खोल रहे हैं, कोई हमसे खुल नहीं है। ये पाउडर है ना, तो उड़ ना जाए कहीं, इसलिए हम लोग बिल्कुल ध्यान से खोल रहे हैं। ये खुल गया और ये मेरा हाथ पहले से ख़राब कर दिया था। और अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा लगाया और ये इसके हाथ पे कम लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा रैम करना चाहिए बेचारे पर। देखिए कैसे शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा है। और ये अब लाइनर, लाइनर तो आंखों पे लगाते हैं लेकिन मैं इसके हाथ पर लगा रही हूँ। मैंने वेट वाइप से साफ कर लिया बिकॉज मुझे उलझन हो रही है। आप देख सकते हैं ये देखें एक, अब और लगाऊं कि नहीं हद होती है यार। ये देखिए हमने लगा लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बताइएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और अब हम मिलते हैं आप लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।